और ब्लोइंग एट एन एंगल ऑफ टू सिक्सटी डिग्री विद एक्स एक्सिस तो रिजल्ट वेलोसिटी हम लोगों ने मालूम करनी है एयरप्लेन की बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है और गिवन हमें क्या क्या है वेलोसिटी वी वन टू वन ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड और थीटा वन हम लोगों ने टेन डिग्री गिवन है वेलोसिटी वी टू थर्टी मीटर पर सेकेंड और जो क्रॉस विंट का जो एंगल उसने बताया है टू सिक्सटी डिग्री रिजल्टन वेलोसिटी या रिजल्टेंट वेक्टर जो हमने मालूम करना है वी उसको कैसे करेंगे सोलूशन क्या होगा उसका याद रखें ये असाइनमेंट टू पॉइंट वन है जो एग्ज़ाम्पल टू पॉइंट वन के बाद आ रही है और एग्ज़ाम्पल टू पॉइंट वन जो है वो थी वैक्टर एडिशन हेड टू टेल मैथड के प्रोसीजर से कि एक वैक्टर है दूसरा वैक्टर इनको आपने ऐड कर लिया इस तरह के एक का जो हैड है वो दूसरे के टेल के ऊपर टच हो रहा है तो ये रिजल्टेंट वैक्टर बन जाता है तो हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं क्योंकि इंटरनेट के ऊपर यूट्यूब में बहुत सारे लोगों ने नॉर्मल दूसरे तरीके से मैथमेटिकल अंदाज़ में इसको सॉल्व किया हुआ है फर्स्ट वी सेट अ रीज़नेबल स्केल क्योंकि 120 मीटर पर सेकेंड बहुत बड़ा नंबर है अगर इसको ड्रा करना शुरू करें तो हमारे तो पेज या स्क्रीन के ऊपर इतनी जगह ही नहीं होती तो हम लोग इसके लिए एक स्केल डिफ़ाइन करते हैं 120 मीटर पर सेकेंड है तो हम कर लेते हैं 15 मीटर पर सेकेंड 1 सेंटीमीटर के बराबर अब हमें चाहिए 120 मीटर पर सेकेंड वन मीटर पर सेकेंड वन सेंटीमीटर है तो वन मीटर पर सेकेंड कितना होगा ये हो जाता है एट सेंटीमीटर फिफ्टीन को मल्टीप्लाई करना शुरू करें फिफ्टीन वन दा फ़िफ्टीन फिफ्टीन टू दा थर्टी फ़िफ्टीन थ्री दा फोटी फाइव इस तरह जब वन ट्वेंटी मीटर से पर सेकेंड आ जाए तो उतना आपने सेंटीमीटर उसके हिसाब से नोट कर लेना अगर फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड वन सेंटीमीटर है तो थर्टी मीटर पर सेकेंड कितना होगा ऑब्वियसली टू सेंटीमीटर अब इसको हम लोगों ने ड्रा करना है उसके लिए आप सबसे पहले कातीजन कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करेंगे ड्रा करेंगे और आप एक प्रोटेक्टर रख देंगे पहले हमने पहला वेक्टर ड्रॉ करना है जो कि होगा टेन डिग्री के एंगल के ऊपर तो अब आपका टेन डिग्री कहाँ है यहाँ पर आप कहीं पर डॉट लगा दें और फिर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें जो कि कितनी लंबी हो 120 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 8 सेंटीमीटर लंबी लाइन आपने ये ड्रॉ कर दी नेक्स्ट इसके आपने जो रीडिंग्स हैं वो लिख लेनी है 120 मीटर पर सेकंड 8 सेंटीमीटर और यहाँ पे एंगल का भी लिख लेना है कि थीटा वन जो है वन ज़ीरो यानी 10 डिग्री है अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि दूसरा एंगल लिखना है टू सिक्सटी डिग्री यहाँ से अगर शुरू करें एक्स एक्स से तो नाइनटी वन एटी और टू सिक्सटी यानी कि टू सिक्सटी आएगा तब अगर आप अपने इस डी को या प्रोटेक्टर को उल्टा रख के एटी डिग्री के ऊपर आप लाइन लगाएँ और लाइन कितनी लंबी लगानी है टू सेंटीमीटर अब आप इसकी भी मेजरमेंट्स यहाँ पे नोट कर लें थर्टी मीटर पर सेकेंड टू सेंटीमीटर और एंगल कितना है एंगल है हमारा टू सिक्सटी डिग्री ये आपके दो वेक्टर्स बन गए वी वन और वी टू नेक्स्ट हमने क्या करना है इस वेक्टर को उठा के इधर लेके आना है क्योंकि हेड टू टेल रूल कि पहले वाले का हेड उसके दूसरे उसके सामने दूसरे वाले का टेल आ रहा हो ठीक है और इसको करने का भी वही तरीक़ा है जिस तरह आपने यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा था यहाँ पे प्रोटेक्टर रखे 260, 280 डिग्री के ऊपर 260 डिग्री के ऊपर आपने लाइन लगा लेनी है उतनी ही टू सेंटीमीटर की और अब पहले वाले की टेल से आखिरी वाले के हेड को जॉइन कर लेना है अब इसको आपने मैयर कर लेना है मैयर करते हैं तो इसको हमें पता लगता है कि सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर है तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सेवन पॉइंट फाइव मल्टीप्लाई बाई फिफ्टीन वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड जो कि इक्वलेंट है ऑलमोस्ट वन हंड्रेड एंड थर्टीन मीटर पर सेकेंड तो ये हमारा रिजल्टेंट वेलोसिटी आ गया हमारे पास v इज इक्वल टू वन मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में उसने एंगल नहीं मालूम पूछा है इसलिए हम लोग नहीं बता रहे वरना अदरवाइज इसकी मदद से हम लोग कंपास या प्रोटेक्टर की डी की मदद से हम लोग यहाँ पे एंगल भी मुहैया कर सकते हैं असाइनमेंट 2.2 पॉइंट अ फोर्स एफ वन न्यूटन मेकिंग एन एंगल थीटा वन थर्टी डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड फोर्स एफ टू न्यूटन मेकिंग एन एंगल थीटा 2 150 degree डिग्री positive पॉजिटिव axis acts एक्स एट अ पॉइंट कैलकुलेट resultant force फोर्स गिवन क्या है सबसे पहले हम वो नोट कर लेते हैं फोर्स एफ वन ट्वेंटी न्यूटन और थीटा वन थर्टी डिग्री और विथ पॉजिटिव एक्स एक्सेस ये नहीं मिक्स करना हमने और एफ टू है थर्टी न्यूटन थीटा टू उसका है वन फिफ्टी डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस और हमने फाइंड क्या करना है रिजल्टन फोर्स आर और जारी बात है उसका एंगल तो सोल्यूशन सबसे पहले शुरू करने से पहले हम लोग इसका एक रीज़नेबल स्केल सेट कर लेते हैं जिसमें हम लोग लिख देते हैं कि टेन न्यूटन फोर्स को हम लोग टू सेंटीमीटर कंसिडर करेंगे ऑन पेपर या ऑन स्लाइड और इस तरह अगर देखा जाए तो फिर ट्वेंटी न्यूटन जो हमारे क्वेश्चन में है वो कितना बन जाएगा टेन न्यूटन टू सेंटीमीटर है तो ट्वेंटी न्यूटन के लिए हम फोर सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे और इसी तरह थर्टी न्यूटन के लिए सिक्स सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे तो सबसे पहले हम कारसन कोऑर्डिनेट प्लेन ले लेते हैं और उसके ऊपर हम लोग अपना प्रोटेक्टर या डी रख लेते हैं सबसे पहले हम लोगों ने फोर्स एफ वन ट्वेंटी न्यूटन की बनानी है थर्टी डिग्री के एंगल पे तो थर्टी डिग्री के एंगल के ऊपर हम लोगों ने लाइन लगानी होगी और कितनी लंबी लाइन लगानी होगी हम लोगों ने ट्वेंटी न्यूटन के अगेंस्ट फोर सेंटीमीटर तो ये हम लोग फोर सेंटीमीटर लंबी एक लाइन लगा लेते हैं थर्टी डिग्री के एंगल के ऊपर अब हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पर हम लोग अपने डी को रखेंगे कर्टीजियन प्लेन कंसिडर करते हुए और कितना एंगल बनाएंगे वन डिग्री का तो वन डिग्री के ऊपर कितनी लंबी लाइन लगाएंगे 6 सेंटीमीटर तो अब हमारे पास ये दो फोर्सेस बन गई अब हम हातीसियन प्लेन को अपना साफ़ कर लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक रिजल्टेंट वेक्टर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे जिसको हम लोग नाम दे देंगे रिजल्टेंट वैक्टर आर और इसके फिर जारी बात है दो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं आर एक्स हॉरिजोंटल और आर वाई पर अब हम बाकी डायग्राम को साथ साथ लेबल करते जाते हैं ये एफ़ वन ट्वेंटी न्यूटन को डिनोट कर रहा है और इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होंगे एफ़ वन एक्स और ये एफ़ वन वाई इसी तरह ये जो ग्रीन लाइन है ये हमारी थी थर्टी न्यूटन की और अच्छा ये थर्टी डिग्री का एंगल भी हम लोगों ने मैंशन करना था अब ग्रीन लाइन कितनी थी एफ़ टू इज़ इक्वल टू थर्टी न्यूटन और उसका एंगल कितना था एंगल बाद में लगाते हैं पहले इसके ये रेक्टेंगुलर कम्पोनेट्स ड्रॉ कर लें एफ़ टू एक्स और एफ़ टू वाई को अगर गौर से देखिएगा ये यहाँ पे आएगा ये इसका हम लोग का ना विद पॉजिटिव एक्स एक्सेस एंगल लेना होता है इसलिए यहाँ पे मैंने हल्की सी लाइन ड्रा कर दी और ये 150 डिग्री का एंगल मेंशन कर दिया अब हम लोगों ने सबसे पहले क्या मालूम करना है रिजल्टेंट फोर्स आर आर वेक्टर इज इक्वल टू जो आर वेक्टर इज इक्वल टू आर एक्स वैक्टर प्लस आर वाई वैक्टर ठीक है और इसको हम यू भी लिख सकते हैं आर एक्स विद यूनिटी वैक्टर प्लस आर वाई यूनिटी वैक्टर और मशहूर तरीक़ेकार लिखने का ये है वेक्टर आर इज इक्वल टू आर एक्स स्क्र प्लस आर वाई स्क्येयर और होल का स्क्यर रूट ये स्क्वेयर रूट होल के ऊपर है क्योंकि आप ये देखें ये 90 डिग्री का एंगल है और इसके ऊपर कौन सा थ्योरम लगता है पाइथागोरस थ्योरम ठीक है हाइपोटिन स्कूर स्क्यर इज इक्वल टू स्क्र ऑफ़ परपेंडिकुलर प्लस स्क्यर ऑफ वाई तो जब हम लोग रिजल्टेंट आर मालूम करना होता है आर एक्स का स्क्र प्लस आर वाई का स्क्वायर होल अंडर रूट लेते होते हैं लेकिन इसको करने से पहले हमें आर एक्स और आर वाई चाहिए तो आर एक्स कैसे फ़ाइंड करेंगे आर एक्स फाइंड करना है तो वो होगा ये आर एक्स जो है वो एफ़ वन एक्स और एफ़ टू एक्स जो इसका ये वाला है इसकी मदद से अब देखें आर एक्स नेगेटिव साइड पे जा रहा है जबकि एफ़ वन एक्स पॉजिटिव साइड पे था एफ टू एक्स नेगेटिव साइड पे था तो एफ़ वन माइनस एफ़ टू एक्स तो ये हमारा रिजल्ट इतना बनना होता है लेकिन दोनों को ऐड किया जाता है हम लोग इसको ज़रा ऐड करते हैं पहले एफ़ वन एक्स को मालूम कर लेते हैं एफ़ वन एक्स इज इक्वल टू एफ वन कॉस थीटा वन वैल्यू डालते हैं एफ़ वन की वैल्यू ट्वेंटी न्यूटन और थीटा वन की वैल्यू क्या थी थर्टी डिग्री तो इसको सॉल्व किया कॉस थर्टी की वैल्यू पॉइंट एट सिक्स सिक्स तो ट्वेंटी मल्टीप्लाई बाई पॉइंट एट सिक्स सिक्स तो एफ़ वन एक्स की वैल्यू आ गई सेवनटीन पॉइंट थ्री न्यूटन इसी तरह हम लोग एफ़ टू एक्स को भी देख लेते हैं एफ़ टू एक्स की वैल्यू क्या होगी एफ़ टू कॉस थीटा टू तो एफ़ टू की वैल्यू थर्टी न्यूटन है और थीटा टू की वैल्यू वन फिफ्टी डिग्री है तो कॉस ऑफ वन फिफ्टी क्या आई माइनस पॉइंट एट सिक्स सिक्स मल्टीप्लाई बाय थर्टी करेंगे तो माइनस ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन एट न्यूटन एफ टू एक्स की वैल्यू आ गई एफ वन एक्स की वैल्यू क्या है सेवनटीन पॉइंट थ्री टू और इसकी माइनस ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन एट तो इस इक्वेशन के तहत हम जब इसको एड uh, ऑन करेंगे तो सेवनटीन पॉइंट थ्री टू प्लस माइनस ट्वेंटी फाइव पॉइंट नाइन एट लिया था प्लस माइनस माइनस हो गया और इसका आंसर हमारे पास आ जाता है माइनस एट पॉइंट सिक्स सिक्स न्यूटन तो देखें ये नेगेटिव साइड पे है अब हम करते हैं आर वाई मालूम करने के लिए कि ये जो हमारी पूरी रेड लाइन थी आर वाई एफ वन वाई प्लस एफ टू वाई के बराबर होगी यानी एफ वन वाई ये वाली प्लस एफ़ टू वाई यहाँ से यहाँ तक तो इसको सॉल्व करते हैं एफ वन वाई का आंसर क्या होगा एफ वन साइन थर्टी डिग्री एफ वन साइन थर्टी डिग्री एफ वन की वैल्यू ट्वेंटी थी और साइन थर्टी की वैल्यू पॉइंट फाइव हो जाती है इससे एफ वन की वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाती है टेन न्यूटन ये वाली आ गई इसकी टेन न्यूटन अब एफ टू वाई की वैल्यू लेनी है तो वो क्या होगी थर्टी न्यूटन मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ वन फिफ्टी डिग्री तो थर्टीन न्यूटन मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ वन फिफ्टी डिग्री साइन वन फिफ्टी कितना होता है पॉइंट फाइव तो एफ टू वाई की वैल्यू ये आ गई है फिफ्टीन न्यूटन तो टेन न्यूटन प्लस फिफ्टीन न्यूटन हमारे पास आंसर आ जाएगा आर वाई की वैल्यू ये जो पूरा यहाँ से लेकर आर वाई है ये होता है एफ टू वाई प्लस इतना पोर्शन किसकी इक्वल है वन वाई की इक्वल तो टेन प्लस फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव न्यूटन अब हम लोग वैल्यूज पुट करते हैं इस इक्वेशन में और वो हो जाती हैं माइनस पॉइंट एट सिक्स सिक्स होल स्क्वेयर प्लस ट्वेंटी फाइव का होल स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट इसको सॉल्व करते हैं माइनस एट पॉइंट सिक्स सिक्स का स्क्वायर हो जाता है सेवेंटी फोर पॉइंट नाइन नाइन और ट्वेंटी फाइव स्क्वायर हो जाता है सिक्स ट्वेंटी फाइव को ऐड करेंगे तो 700 हंड्रेड स्क्वेयर हो जाएगा और सेवन हंड्रेड स्क्वेयर रूट की वैल्यू का आंसर होता है ट्वेंटी सिक्स पॉइंट फोर सिक्स न्यूटन तो ये हमारा पहला आंसर आ चुका है अब हम लोगों ने क्या मैयर करना है इसका थीटा आर भी मैयर करना है लेकिन थीटा आर मैयर करने से पहले हम इसका जो करीब तरीन एक्स एक्सिस होती है उसके साथ एंगल मैयर करते हैं जिसको कहते होते हैं थीटा इज इक्वल टू इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स क्योंकि टेंजेंट सीटा क्या होता है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग टेंजेंट सीटा थ्रू प्रॉपर यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस ब्रशिंग तो आप परपेंडिकुलर क्या है आर वाई और ये क्या है आर एक्स बेस तो जब टेंजेंट इन सीटा लेना होगा तो टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स अब हम लोग इसको लेंगे टेंजेंट इनवर्स करेंगे आर वाई की वैल्यू क्या है ट्वेंटी फाइव और आर एक्स की वैल्यू क्या है माइनस एट पॉइंट सिक्स सिक्स लेकिन इस केस में हम लोग माइनस नहीं लेंगे क्योंकि एंगल्स के अंदर ये ज़रूरी नहीं होता अब हम लोग ले लेते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं ट्वेंटी फाइव डिवाइड बाई एट पॉइंट सिक्स सिक्स तो टू पॉइंट एट एट सिक्स आ गया और थीटा की वैल्यू इससे हमारे पास निकल आ जाती है सेवनटी पॉइंट एट नाइन डिग्री ये वाला एंगल आ गया सेवेंटी पॉइंट एट नाइन डिग्री हमें चाहिए थीटा आर ठीक है और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे आर एक्स देखें क्या है नेगेटिव आर एक्स की वैल्यू क्या है नेगेटिव आर वाई की वैल्यू क्या है पॉजिटिव आर वाई पॉजिटिव साइड पर है सो so, आर जो है वो किस क्वाड्रेंट में है हमारा यार? ये आर यहाँ देख सकते हैं अगर यहाँ पे आप कार्टीजियन कोऑर्डिनेट ड्रा करें तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है ठीक है इस क्वाड्रेंट में और इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है थीटा आर की वैल्यू थीटा होती है थीटा आर की वैल्यू सेकेंड क्वाड्रेंट में होती है वन एटी माइनस थर्टी थीटा इसमें होगी वन एटी प्लस थीटा और इसमें होगी थ्री सिक्सटी माइनस थीटा अगर आपको ये अभी नहीं समझ आया तो मैं क्वेश्चन एंड होने के बाद इसको ज़रा डायग्राम से समझाता हूँ फिलहाल आप ये देख लें कि ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा आर इक्वल टू वन एटी डिग्री माइनस थीटा ये थीटा आर की वैल्यू क्या होगी वन एटी डिग्री माइनस थीटा तो थीटा की वैल्यू क्या हम लोगों ने कैलकुलेट की थी सेवेंटी पॉइंट एट नाइन वेदर फीड इन कर ली और थीटा आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी वन हंड्रेड एंड नाइन पॉइंट वन वन डिग्री ठीक है तो ये हमारे दो आंसर हैं जो हमें चाहिए थे और अब मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि ये किस तरह आता है ये आपका कारतीसियन प्लेन है अगर इसमें आपका ये वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये एंगल आपका थीटा है और थीटा जो रिज़ल्टेंट हम हमारा होता है वो भी इसी के बराबर होगा क्योंकि ये फ़र्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है जब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर यही चीज़ जाती है तो उसको इस एक्सिस के साथ जो एंगल है वो तो हो गया थीटा और जो थीटा आर होता है वो वन एटी माइनस थीटा डिग्री होता है इसी तरह अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जाएँ तो ये वाला एक्स एक्सिस के साथ जो है ये एंगल ये थीटा होता है नॉर्मल और जो कंप्लीट यहाँ से होगा एंगल उसको कहा जाएगा थीटा आर इज इक्वल टू वन एटी प्लस थीटा अब अगर फोर्थ क्वार्टर में आए तो ये वाला एंगल तो हो जाएगा थीटा जो करीब तरीन एक्सरस के साथ होता है और जो कम्प्लीट उसके साथ होगा स्टार्ट से एंड तक इसको कहा जाएगा थ्री सिक्सटी माइनस थीटा डिग्री असाइनमेंट टू पॉइंट थ्री टू फोर्सेज ऑफ ट्वेंटी न्यूटन एंड टेन न्यूटन आर मेकिंग एन एंगल ऑफ़ वन ट्वेंटी डिग्री वी दीचे दर फाइंड अ सिंगल पुल यानी कि रिजल्टेंट दैट वुड रिप्लेस द गिवन फोर्सेज सिस्टम यानी इन दोनों को हटा के सिंपल एक हमारे पास वेक्टर या रिजल्टेंट फोर्स कौन सी आ जाती है और पार्ट बी है बैलेंस द गिवन फोर्सेज सिस्टम जब वो रिजल्टेंट आ जाए तो हम लोग ने क्या करना है उसको बैलेंस आउट करना है ताकि इन दोनों फोर्सेज का नेट इफेक्ट खत्म हो सके सोल्यूशन की तरफ बढ़े पहले गिवन देखते हैं फोर्स वन हमारे पास क्या है ट्वेंटी न्यूटन उन्होंने डायरेक्शन नहीं दी हुई तो हम लोग पहली डायरेक्शन खुद अपनी ईस्ट के लिए अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लेते हैं यानी कि थीटा वन जीरो डिग्री हो जाए फोर्स टू उन्होंने दिए भी है टेन न्यूटन और उसका एंगल क्या दिया हुआ है थीटा टू इज इक्वल टू वन ट्वेंटी डिग्री एन एंगल ऑफ वन ट्वेंटी डिग्री टू फोर्सेज ऑफ ट्वेंटी एंड टेन न्यूटन आर मेकिंग एन एंगल ऑफ वन ट्वेंटी डिग्री विद ईच अदर इसलिए हम लोग पहले जो फोर्स है उसके साथ हम लोग करते हैं इसका यानी कि विद एफ वन इसका वन ट्वेंटी डिग्री है और चूंकि हम लोगों ने विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस ली थी पहली फोर्स लिया था ये भी कह सकते हैं विद एफ वन एंड विद पॉजिटिव एक्सएक्सेस रिजल्टेंट फोर्स हमने मालूम करनी है और उसका थीटा आर और बैलेंसिंग फोर्स मालूम करनी है और उसका थीटा बी सोल्यूशन में सबसे पहले हम लोगों ने एक स्केल सेलेक्ट करना होता है हमारे पास दो फोर्सेज हैं तो हम लोग कोई सिंपल सा स्केल सेलेक्ट कर लेते हैं इन्हीं को देखते हुए 20 न्यूटन है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर से और 10 न्यूटन है तो वो इसका हाफ होगा तो 3 सेंटीमीटर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हम लोगों ने कार्टीजियन प्लेन बनाया इसके ऊपर हम लोगों ने डी रखी और सबसे पहले हम लोगों ने 20 न्यूटन की फोर्स जीरो डिग्री एंगल पे बनानी है यानी इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन की फोर्स बनानी है और 20 न्यूटन 6 सेंटीमीटर से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हमारा आ गया वेक्टर F1 या फोर्स F1 और दूसरा हम लोगों ने बनाना है 10 न्यूटन या 3 सेंटीमीटर की फोर्स अलोंग वन डिग्री इस डायरेक्शन में तो ये हमारी दूसरी फोर्स आ गई अब हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं रिप्लेस द गिवन फोर्सेज सिस्टम यानी रिजल्टेंट मालूम करना है और रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू आर एक्स प्लस आर वाई यानी जो रिजल्टेंट होगा उसके भी दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और उसको इस तरह यूनिट वेक्टर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेमस फार्मूला यूज़ होता है वो वह उसका मैग्नीट्यूड मेजर करने के लिए होता है कि स्क्रस का स्क्वेयर प्लस आर वाई का स्क्वेयर और उसका फिर स्क्वेयर रूट ले लिया जाए अब ये आर एक्स कहाँ से आएगा आर एक्स आएगा एफ़ वन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस एफ टू के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स को ऐड करके इसी तरह ये आर वाई कैसे आएगा ये एफ वन के वर्टिकल कंपोनेंट्स को और एफ़ टू के वर्टिकल कंपोनेंट्स को ऐड करके सिंपल एज दैट तो आए इसको शुरू करते हैं सबसे पहले हम फोर्सेस के जो है लिख लेते हैं यहाँ पे इनके साथ एफ़ वन और एफ टू ट्वेंटी न्यूटन और टेन न्यूटन रिस्पेक्टिवली सबसे पहले हम लोग एफ वन का एक्स कंपोनेंट ले लेते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बाद में इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे और फिर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास आर एक्स तो एफ वन एफ एफ वन एक्स इक्वल टू एफ वन कॉस्टिटा वन तो कॉस थीटा कितना है यहाँ पे यहाँ पे तो जीरो डिग्री का एंगल है तो ट्वेंटी कॉस ऑफ जीरो डिग्री और कॉस ऑफ जीरो कितना होता है वन तो ट्वेंटी इंटू वन और ये आ जाता है ट्वेंटी तो आप देखें एफ वन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ट्वेंटी न्यूटन है एफ वन बताते खुद कितना है ट्वेंटी न्यूटन तो यहीं से पता लग गया कि वर्टिकल कंपोनेंट तो इसका ज़ीरो ही होगा लेकिन वो अभी हम लोग नहीं देखते हैं हम पहले एफ़ टू का हॉर्टल कंपोनेंट देख लेते हैं एफ टू टेन न्यूटन है और इसका एंगल कितना था वन ट्वेंटी डिग्री तो एफ़ टू एक्स इज इक्व टू एफ टू कॉस सीटा टू और एफ टू टेन इंटू कॉस ऑफ वन ट्वेंटी ये वाला वन ट्वेंटी और कॉस ऑफ वन ट्वेंटी कितना होता है माइनस पॉइंट फाइव तो एफ़ टू एक्स की वैल्यू आ जाएगी टेन वर्टी प्लाई माइनस पॉइंट फाइव इक्वल टू माइनस फाइव न्यूटन ठीक है और आर एक्स जो हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अब वो ऐड कर लेते हैं हम लोग ट्वेंटी प्लस फाइव की जगह ये माइनस फाइव है तो ज़्यादा माइनस फाइव तो आर एक्स की वैल्यू आ गई फिफ्टीन न्यूटन अब आ जाते हैं हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट्स की तरफ तो एफ़ वन का वर्टिकल कंपोनेंट तो वैसे ही हम डिस्कस कर चुके थे कि जीरो होगा क्योंकि है ही नहीं सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो ट्वेंटी साइन थीटा ट्वेंटी साइन ऑफ़ जीरो डिग्री साइन ऑफ जीरो ज़ीरो होता है तो ट्वेंटी इंटू ज़ीरो ज़ीरो तो वर्टिकल कंपोनेंट इसका जीरो है। तो जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट वो कितना होगा एफ टू आई इक्वल टू एफ टू साइन थीटा टू थीटा टू कितना था वन ट्वेंटी डिग्री टेन मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ वन ट्वेंटी साइन वन ट्वेंटी होता है पॉइंट एट सिक्स सिक्स तो एफ टू वाई हो गया एट पॉइंट सिक्स सिक्स न्यूटन अब आर वाई कैलकुलेट करना है आर वाई इक्वल टू एफ वन वाई प्लस एफ टू जीरो प्लस एट पॉइंट सिक्स सिक्स तो आर वाई की वैल्यू आ गई एट पॉइंट सिक्स सिक्स न्यूटन अब हमारे पास ये दो तो वैल्यू आ गई हैं अब हम इनकी मदद से इस इक्वेशन के अंदर फिल इन करेंगे और हमारे पास आ जाएगी हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर की वैल्यू 15 का स्क्वायर प्लस 8.66 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये स्क्वेयर रूट है आपने कंसिडर करना है पूरा ही है क्योंकि कंप्यूटर इतना ही शो कर रहा होता है अब इसको सॉल्व करेंगे फिफ्टी का स्क्वायर टू ट्वेंटी का स्क्वायर सेवेंटी और इन दोनों को ऐड किया तो थ्री का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो हमारे पास रिजल्टेंट वक्टर आ जाएगा सेवेंटीन न्यूटन लेकिन अभी हमें डायरेक्शन तो पता नहीं है कि यहाँ बन रहा है यहाँ बन रहा है यहाँ बन रहा है तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले इस हेड टू टेल रूट की तरफ आ, जाएंगे अगर ना भी जाते हैं तो हम लोग मैथमेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन आपको याद करा दूँ ये भी एक प्रोसीजर होता है कि हेड टू टेल रूट कि अगर आपने दो वेक्टर्स को ऐड करना है तो पहले के हेड के ऊपर दूसरे की टेल लगाएंगे और ये रिजल्टेंट वेक्टर बन जाएगा ठीक है तो आर इक्व सेवेंटीन पॉइंट थ्री टू इसका एंगल मैयर करना है मैथमेटिकली मैयर कर लें थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स आर वाई और आई आर एक्स यानी कि इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, आर वाई डिवाइडेड बाई आर एक्स उसका टेंजेंट इन्वर्स ले लेते होते हैं क्यों क्योंकि टेंजेंट सीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग ठीक है याद है आपको सम्पी भाई कली ब्राउन है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग सो टेंजेंट सीटा इज इक्वल टू आर वाई ओवर आर एक्स और थीटा निकालना होगा तो टेंजेंट इनवर्स ऑफ आर वाई ओवर एक्स आर एक्स तो आर वाई की वैल्यू 8.66 और आर एक्स की वैल्यू 15 न्यूटन हम लोग डाल देंगे और इससे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे टेन जनवर्स पॉइंट तो थीटा इज इक्वल टू थर्टी डिग्री ये थीटा जो आ गया रिजल्टेंट रिजल्टन वैक्टर का ये है थर्टी डिग्री तो यहाँ पर हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो जाता है अब हम लोगों ने जाना है अपने सेकेंड पार्ट पे बैलेंस द गिवन फोर्सेज सिस्टम इसके अंदर क्या करेंगे सबसे पहले बैलेंसिंग फोर्स बी वो कितनी होगी जाहिर है अगर इन दोनों को हटा दिए सिर्फ यही एक फोर्स रह गई है रिजल्टेंट तो इसकी बैलेंसिंग फोर्स बिल्कुल इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी और उसकी भी वैल्यू होगी सेवनटीन पॉइंट थ्री टू न्यूटन तभी तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी और फिर ना इस तरफ खींच पाएगी ना इस तरफ खींच पाएगी अब इसका एंगल मेजर करना है विद एक्स एक्सेस यानी कि ये एंगल कितना है तो थर्ड क्वारंट में आप ये देख सकते हैं ठीक है और थर्ड क्वारंट के अंदर है तो इसका फार्मूला क्या होता है थीटा बी ई इक्वल टू वन एटी प्लस जो थीटा होता है ठीक है थीटा बी इक्वल टू वन एटी प्लस ये वाला थीटा तो ये थीटा हम पहले ही निकाल चुके थे थर्टी डिग्री और थीटा बी की वैल्यू आ गई टू टेन डिग्री टू हंड्रेड एंड टेन डिग्री तो ये दोनों वैल्यूज भी आ गई रिजल्टेंट फोर्स का जो बैलेंसिंग फोर्स है बी वो कितने न्यूटन है सेवनटीन पॉइंट थ्री टू न्यूटन और उसका एंगल कितना है थीटा बी टू हंड्रेड एंड टेन डिग्री असाइनमेंट टू पॉइंट फोर शो दैट ए डॉट बी होल स्क्वेयर प्लस ए क्रॉस बी होल स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी स्क्यर ये डॉट प्रोडक्ट है और ये क्रॉस प्रोडक्ट है इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है बहुत ही सिंपल है आपके स्मॉल क्वेश्चन में आ सकता है सोल्यूशन की तरफ आते हैं एक दफा इस इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं और डॉट प्रोडक्ट को ब्लू में और क्रॉस प्रोडक्ट को रेड में लिख लेते हैं स्टूडेंट्स अक्सर इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि डॉट प्रोडक्ट कॉस वाला था या क्रॉस प्रोडक्ट क्रॉस वाला था या कौन सा साइन वाला था इसको याद कर लेकिन मैंने अपने लिए एक छोटा सा की रखा हुआ है डॉट लिख लेते हैं डॉट और साथ ही कोई और लिख लें कॉस तो डॉट के देख लें तीन डिजिट्स हैं और कॉस के भी देख लें तीन अल्फाबेट्स हैं और दोनों के बीच में ओ आ रहा है तो दोनों के अल्फाबेट्स भी बराबर हों और बीच में ओ भी आ रहा हो तो फिर वो वाला मैच करता है तो डॉट प्रोडक्ट थीटा होता है इसी तरह फिर क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ऑब्वियसली इस पीछे साइन ही बचा है तो वो साइन थीटा हो जाएगा ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस्थीटा और ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा तो अब वो हम लिख लेते हैं ए बी थीटा का स्क्वेयर प्लस ए बी साइन थीटा स्क्वेयर एज इट इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी स्क्र नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जाते हैं इसको स्क्वेयर को ओपन करते हैं तो ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर कॉसक्यर थीटा प्लस ए स्क्येर बी स्क्वेयर साइंस स्क्वेयर थीटा फर्दर इसमें देखें कि क्या चीज़ कॉमन है ए स्क्वेयेर बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर बी स्क्र कॉमन है तो इनको इकट्ठा कर लेंगे और अंदर रह जाएगा कॉ स्क्वेयर थीटा प्लस साइंस स्क्वेयर थीटा और कॉ थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू वन होता है ये हम लोगों ने क्लास टेंथ ट्रिग्नोमेट्री में सीखा हुआ है और इसको हम इस तरह लिख लेंगे ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और इसकी जगह लिख लेंगे वन अब एनी मल्टीप्लाई बाय वन इज इट सेल्फ ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ये प्रूव हो गया लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड असाइनमेंट 2.5 अ यूनिफॉर्म प्लैंक ऑफ वेट 200 न्यूटन एंड लेंथ 6 मीटर इज सपोर्टेड बाय आ रोप एज शोन इन द फिगर ये फिगर है एक यूनिफॉर्म प्लैंक है जिसका वेट है टू हंड्रेड और जब चूंकि ये क्या है यूनिफॉर्म है लाता इसका जो सीजी है वो सेंटर में है यानी कि लेंथ ऑफ तो प्लैंक जहाँ पे थ्री हंड्रेड मीटर है वहाँ पे ये फोर्स एक्ट करेगी इफ़ ब्रेकिंग टेंशन इन द रोप इज फोर हंड्रेड न्यूटर यानी कि ये जो इसके अंदर फोर्स जो ब्रेक करेगी इसको वो 400 न्यूटन से जैसे ही ज़्यादा होगी यानी इसके ऊपर फोर्स टेंशन ज़्यादा जैसे ही 401 हो जाएगी 400.5 हंड्रेड पॉइंट तो ये ब्रेक कर जाएगा हाउ फार कैन अ बॉडी ऑफ वेट 400 हंड्रेड न्यूटन वॉक टूवर्ड्स सपोर्ट तो अब तीसरी फोर्स क्या है इस बॉडी का वेट है ये कितना आगे आएगा तो इसका इतना टॉर्क लगेगा कि इसका टॉर्क और इसका टॉर्क मिल इस टेंशन से जो फोर न्यूटन है इससे बढ़ जाएगी तो ये हम लोगों ने डिस्टेंस मालूम करने का इतना आगे आ सकते हैं तो गिवन हमारे पास क्या है वेट ऑफ़ प्लैंक एफ पी टू न्यूटन फिर है लेंथ ऑफ प्लैंक एल टी सिक्स हंड्रेड मीटर सी जी पॉइंट हमारे पास क्या है जहाँ पे इस प्लैंक का वेट टच हो रहा है आ रहा है एल पी इज इक्वल टू थ्री मीटर लेंथ ऑफ प्लैंक फिर है जी ब्रेकिंग टेंशन इसकी गिवन है फोर हंड्रेड न्यूटन वेट ऑफ मैन हमें गिवन है फोर हंड्रेड न्यूटन मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ दिस बॉडी हमने मालूम करने कितना आगे तक जा सकता है सोल्यूशन की तरफ आए आपको सबसे पहले फेवरेट पॉइंट सेलेक्ट करना है ये या ये इस पर तो ऑलरेडी एक फोर्स लग रही है लादा इसको हम पेवेट पॉइंट नहीं चूज़ करेंगे इसको पेवेट पॉइंट चूज़ करेंगे अब आपने देखना है कि सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कि सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है कि क्लाक वाइज स्टॉक्स यूं करके लगने वाले होते हैं इज इक्वल टू एंटी क्लाक वाइज स्टॉक्स इस पेवेट के अगेंस्ट एक ये क्लाक वाइज स्टॉक चल रहा है एक ये क्लाक वाइज स्टॉक चल रहा है और ये एंटी क्लाक वाइज चल रहा है ठीक है तस्वीर से समझ लें यह पिवट पॉइंट है इसके ऊपर यूँ फोर्स लगेगी तो ये क्लॉक वाइज है ये पिवट पॉइंट है अगर इसके ऊपर यू ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी तो ये काउंटर क्लॉक वाइज प्रोड्यूस करेगा इसके ऊपर तो अभी हम लोग सबसे पहले ये डायग्राम देख लें ये क्लॉक वाइज और ये एंटी क्लाक वाइज तो पहले एंटी क्लॉक वाइज देखते हैं क्योंकि एक ही है ये एफ टी न्यूटन और इसका डिस्टेंस कितना है पेविट पॉइंट से सिक्स मीटर तो 400 हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय सिक्स मीटर इज इक्वल टू ट्वेंटी फोर हंड्रेड मीटर अब हम लोग देखते हैं क्लॉकवाइज टॉक्स, जो कि दो हैं एक ये एफ पी मल्टीप्लाई बाय एल पी यानी टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय थ्री मीटर और दूसरा क्या है एफ एम मल्टीप्लाई बाय डी ये पहला हो गया टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय थ्री मीटर और दूसरा फोर हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय डी टू हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय थ्री फोर हंड्रेड मल्टीप्लाई बाय डी इन दोनों को सॉल्व करते हैं टू हंड्रेड मिल बाई थ्री सिक्स हंड्रेड फोर हंड्रेड डी फोर हंड्रेड न्यूटन और डी और इसको फर्दर इस इक्वेशन में आप डाल देते हैं दोनों को जो एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज स्टॉक्स मिले तो सिक्स हंड्रेड न्यूटन मीटर प्लस फोर हंड्रेड डी इक्वल टू ट्वेंटी फोर हंड्रेड न्यूटन मीटर इसको सॉल्व किया फोर हंड्रेड इधर ही रहने दिया सिक्स हंड्रेड उधर ले गए तो ट्वेंटी फोर हंड्रेड माइनस सिक्स हंड्रेड एटीन हंड्रेड अब 400 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1800 हंड्रेड डिवाइड बाई फोर मीटर आंसर इज़ 4.5 मीटर यानी कि ये जो बॉडी है ये 4.5 मीटर इधर तक आए तब तक तो इक्विलिब्रियम रहेगा जैसे इससे थोड़ा सा आगे आएगा तो ये डाउनवर्ड टॉर्क या क्लॉकवाइज टॉक्स बढ़ जाएंगे इससे और ये रोप टूट जाएगी असल स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर ये वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखें तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई किया करें बिकॉज़ मैंने होम पे ट्यूशन देना इसलिए तर्क किया कि ज्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके चलें शुरू करते हैं